हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश सब हेल्दी एंड हैप्पी एंड सेफ है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, ये चेहरा पहली बार देख रहे हो, हाय माय नेम इज सॉरी, थैंक यू सो मच इस वीडियो पे देख करने के लिए। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी। सो इफ़ यू लाइक इट, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो। मुझे पता है कि मेरी काफ़ी सारी ऑडियंस जो है वो अभी टीन एज में है, क्यूट सी है, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी स्किन को पैम्पर कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। आई ऑलवेज सेड गाइज कि अच्छा खाओगे तो अच्छे दिखोगे। जो आप इंटरनली अपने आप को, बॉडी को देते हो, वही आपके फेस पे ग्लो करके दिखता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ। बट अभी आप जिस एज में हो, या तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, या तो आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, एक्ने हो रहे होंगे, स्कार्स हो रहे होंगे, एक्ने के जो मार्क्स रह जाते हैं वो हो रहे होंगे। क्योंकि हम इस एज में क्या होता है, मैं बोलने वाली थी हम जिस एज में, आप जिस एज में हो, इस एज में क्या होता है, एकदम से पिंपल्स आना शुरू होते हैं, एक्ने स्टार्ट होते हैं। तो कोई भी अपने फेस को वैसा नहीं देखना चाहता है। और बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम अपनी नेल्स यूज़ करते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, और उसी की वजह से मास्क रह जाते हैं। प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल मत करो। एक्ने आया है, अपने आप एक वीक में चला जाएगा, उसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप उसको छेड़ोगे उतना ज़्यादा वो और भी आपको प्रॉब्लम देगा, तो आप ये बिल्कुल भी मत कीजिए। लेकिन अगर आपकी स्किन को आप केयरिंग नहीं दोगे, आप उसको प्यार नहीं दोगे, तो वो आपको वैसे ही रिस्पॉन्स करेगी। तो मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को अच्छी तरीके से पैम्पर कर रहे हो। तो मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें आज आपको बताने वाली हूँ, 3 स्टेप्स ओनली, जो कि आपकी पूरी स्किन केयर को बदल सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, सिर्फ अभी के लिए नहीं, आप आगे भी इसको यूज़ कर सकते हो, और ये आपका पूरा स्किन केयर जो रूटीन है उसको चेंज कर सकता है। सो सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहली स्टेप है, वो है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगर आप मेकअप वेयर नहीं करते हो, आप नॉर्मल में ही अपनी स्किन केयर जो रूटीन में आपको बता रही हूँ, अगर आप मेकअप वेयर नहीं करते हो, द ओनली थिंग यू नीड इज़ अ गुड फेस वॉश। आप अपनी स्किन के हिसाब से, आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से एक अच्छा सा फेस वॉश चुनिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है एग्जांपल, तो आपको चुनना चाहिए एक माइल्ड सा फेस वॉश, जो जब आप अपनी फेस को क्लीन करो तो वो आपको एक नरिशमेंट दे। इफ़ अगर आपकी जो स्किन है वो ऑयली है, तो आप जेल बेस्ड फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है ऑयली स्किन पे। पर्सनली मेरी जो स्किन है वो ऑयली है, तो मैं यूज़ करती हूँ बायोटिक का पपाया फेस वॉश। बायोटिक का फेस वॉश जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करके देते हैं मेरी स्किन पे। तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप एक बार बायोटिक ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज जो भी फेस वॉश आपको सूट करता है आप वो यूज़ करो। अब बात करते हैं जो लोग मेकअप वेयर करते हैं। अगर आप मेकअप वेयर कर रहे हो, तो मेक श्योर आप उसको लगा के मत सो, बहुत ही ज़्यादा आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। हमेशा अपने मेकअप को क्लीन करो, और मेकअप स्टार्ट करने से पहले बेसिक जो 2 स्टेप्स मैं आगे बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको किए बिना मेकअप वेयर मत करो। और अगर आपको मेकअप रिमूव करना है, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ मिसलर वाटर, काफ़ी अच्छा है गार्नियर का। इसके अलावा बहुत सारे क्लींजिंग ऑप्शंस हैं मार्केट में, आप वो भी ले सकते हो। बट मेक श्योर कि आप अपना जो मेकअप है वो ज़्यादा लॉन्ग वेयर मत करो, और अगर वेयर कर रहे हो तो अच्छे से अपनी स्किन को प्रिपेयर करो, मेकअप करने से पहले भी और मेकअप करने के बाद भी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। एंड द सेकेंड स्टेप इज़ टोनिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने क्लींजिंग कर लिया, आपने फेस वॉश कर लिया है, और उसके बाद आपकी स्किन बिल्कुल प्रिपेयर हो गई है आपके आगे के प्रोडक्ट्स अप्लाई करने के लिए आपके फेस पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टोनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी स्किन केयर के लिए, तो मेक श्योर कि आप टोनर को ना भूलें। तो आपको टोनर के लिए ज़्यादा कुछ स्पेंड नहीं करना है, द बेसिक थिंग जो सब जानते हैं वो है डाबर का गुलाब जल। तो आपको बस अपना फेस वॉश करने के बाद एक कॉटन पैड पे गुलाब जल को लेना है, और पूरे फेस पे इसको अप्लाई करना है। आप उसके बाद देखोगे कि फेस वॉश करने के बाद भी काफ़ी सारा डर्ट है जो भी अभी आपके फेस से निकलने वाला है आफ्टर अप्लाइंग दिस। तो मेक श्योर कि आप अच्छा से कोई टोनर यूज़ करो। अगर आपको गुलाब जल नहीं आप यूज़ करते हो, तो मैं आपको एक और टोनर है जो कि स्किन टोनर है आयुर का, ये भी सजेस्ट कर सकती हूँ। काफ़ी अफोर्डेबल है, ओनली फॉर 50 रुपीज़, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके पोर्स को टाइट करता है, पोर्स में जितने भी डर्ट्स होते हैं उसको निकाल देता है। सो आपको टोनर यूज़ करना चाहिए, ये है आपकी सेकंड स्टेप। लेट्स थर्ड स्टेप इज़ मॉइस्चराइजिंग, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग।
मॉइस्चराइजिंग. अब मॉइस्चराइजर आपको कैसे चूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. इफ़ यू आर अ ड्राई स्किन पर्सन तो आपको यूज़ करना चाहिए कोई भी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर, और अगर आप ऑयली स्किन हो तो आपको यूज़ करना चाहिए कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. आपने टोनिंग के बाद अपने जो पोर्स ओपन किए हैं, आपने जिसको क्लीन किया है, मॉइस्चराइज़र उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करता है और एक्ने होने से बचाता है. तो यहाँ पे अगर आप ड्राई स्किन है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार सेटाफिल यूज़ कर सकते हो. वैसे ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, बट इफ़ यू आर अ ड्राई पर्सन देन यू कैन यूज़ दिस. एंड इफ़ यू आर अ ऑयली पर्सन ऑलवेज ऑलवेज सजेस्ट करूँगी मैं आपको कि आप पॉन्ड्स का सुपर मॉइस्चराइजिंग जेल यूज़ करो. उससे बेस्ट अभी तक मुझे कोई नहीं लगा है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो. आपको जो भी सूट करता है आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ कर सकते हो. बट या मैं आपको डे के लिए सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वेयर अ सनस्क्रीन. आप गुड सनस्क्रीन इज़ वेरी 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 मच नीडेड आपके स्किन केयर में. चाहे आप घर से बाहर स्टेप रख रहे हो या ना रख रहे हो, डजेंट मैटर, एक सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए. देर आर मैनी ऑप्शन. आई हैव VLCC, न्यूट्रिजिना एंड VIV स्टॉप जो मैं यूज़ करती हूँ. आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, आप भी यूज़ कर सकते हो. लेकिन SPF 30, SPF 15 मस्ट नीडेड. अगर डे टाइम के लिए बात करेंगे तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है आफ्टर मॉइस्चराइजर. अगर नाइट टाइम की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर के बाद आप अपना स्किन केयर रूटीन एंड कर सकते हो. तो यह दैट्स इट. ये सिर्फ 3 बेसिक स्टेप्स हैं, या आप अपनी स्किन केयर में ऐड करके देखिए, आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है. ट्रस्ट में आप बाद में मेरे को थैंक करने वाले हो. सो या दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आप लोग को हेल्प किया होगा. इफ़ यू लाइक इट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो. अगर आपको से ही रिलेटेड कुछ और भी वीडियोस चाहिए और अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, खुश रहें. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइज. लेट मी नो इफ यू वॉन्ट सच मोर वीडियोज. बाय बाय, टेक केयर.